Good morning, children. How are you? Today, I, Sonal ma'am, welcomes you all to the VSPK International Virtual Classes. Children, आज हम हिंदी पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? हिंदी. पर हिंदी पढ़ने से पहले हम जल्दी से प्रेयर कर लेते हैं. So everybody join your hands, feet together, close your eyes, and we will do Gayatri Mantra. Let's start. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Children, rub your palms. And now, put your palms on your eyes. Now everybody open your eyes and hands down. Children, आज हम हिंदी पढ़ेंगे. आपको पता है ना, आपने आकांक्षा मैम के साथ तीन व्यंजन पढ़े हैं. कौन से व्यंजन पढ़े हैं, जल्दी से बताओ. Very good. व्यंजन क, ख और ग. आज हम दोबारा से उन्हीं को पढ़ेंगे और याद करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था. चलो स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यंजन क. ये देखो, ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन क. और अब हम कुछ शब्द देखेंगे जो क से शुरू होते हैं. जैसे क से ये क्या है? पिजन है ना. लेकिन पिजन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कबूतर. क से कबूतर. क से कलम. हम पता है, पहले जब हमारे पास पेन और पेंसिल नहीं होते थे ना, तब हम कलम से ही लिखते थे. और ये क्या है? टॉर्टोइस. लेकिन टॉर्टोइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क से कछुआ. क से कछुआ. और ये क्या है? लोटस फ्लावर. और लोटस फ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क से कमल. क से कमल. अब देखो, ये जो क्रेयॉन है, ये कौन से कलर का है? ब्लैक. ब्लैक को हिंदी में क्या बोलते हैं? काला. हमारे हेयर कौन से कलर के होते हैं? काले रंग के. वेरी गुड. सी, व्हाट इज दिस? ये क्या है? बनाना. बनाना को हिंदी में क्या बोलते हैं? केला. तो क से केला. अब हम दूसरा व्यंजन पढ़ेंगे. और दूसरा व्यंजन कौन सा है? व्यंजन ख. अब देखो, ये क्या है? मस्क मेलन. और मस्क मेलन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ख से खरबूजा. देखो, मैम के पास भी है खरबूजा. ख से खरबूजा. और देखो क्या है ये? रैबिट. रैबिट को हिंदी में बोलते हैं खरगोश. ख से खरगोश. ख से खाट. ख से खेत. ये क्या है? दिस इज कुकम्बर. और कुकम्बर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? ख से खीरा. ख से खीरा. अब हमारा अगला व्यंजन है ग. ग से गाजर. ग से गाजर. ग से गमछा. कभी कभी आपने देखा किसी को अपने यहाँ पर शोल्डर पे टावल रख के चलते हैं लोग, उसको हम बोलते हैं हिंदी में ग से गमछा. डोंकी. डोंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ग से गधा. ग से गधा. नाउ सी, मैम के पास क्या है? मैम के पास है गिटार. और आपको पता है गिटार किससे होता है? ग से गिटार. ग से गिटार. और ये जो गिटार है, ये कौन से कलर का है? क से काला. क से काला. अब हम आपकी फेवरेट एक्टिविटी करेंगे, जो है मोल्डिंग एक्टिविटी. चलो लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, आई एम श्योर आपके पास ऐसे क, ख और ग वाले
आपने ऑलरेडी ऐसा बनाया हुआ है ना, आकांक्षा मैम ने आपको सिखाया था कि कैसे बनाते हैं, और आपने इन पे पेंट भी किया होगा। अब आपको इनके ऊपर अपनी फिंगर को ऐसे घुमाना है 5 times, ऐसे स्टैंडिंग लाइन सी और उसकी टेल, ये बन गया हमारा क। फिर ऐसे ही आपको ख के ऊपर भी अपनी 5 times फिंगर को घुमाना है, उल्टा सी उसकी टेल स्टैंडिंग लाइन और छोटा सा सी और ऊपर स्लीपिंग लाइन भी बनानी है हमको, है ना। फिर है ग, ग में स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लांटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन और फिर एक बिग स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन। हमें अपने फिंगर्स को ऐसे घुमाना है ताकि हमें पता हो कि हमें कैसे लिखना है, ग से गिटार, ख से खरगोश और क से केला। ओके, अब हम ये देखेंगे कि हम व्यंजन क ख और ग को अपनी नोटबुक्स में कैसे लिखेंगे, तो आओ चलो लिखते हैं मैम के साथ। चलो अब हम देखते हैं कि हमें व्यंजन क को कैसे लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ से ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, यहाँ से एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे एक सी, और हमें अपनी पेंसिल को ना ऊपर नहीं उठाना है, यहाँ जहाँ पे हमने स्टैंडिंग लाइन पे आके रुके हैं वहीं से हमें इसकी एक टेल भी बनानी है और ऊपर स्लीपिंग लाइन। यू डोंट हैव टू लिफ्ट अप योर पेंसिल, ध्यान से स्टैंडिंग लाइन सी एंड अ टेल और ऊपर स्लीपिंग लाइन। कोई भी बेबी ऐसे नहीं लिखेगा, किसी ने अगर ऐसा लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो हम देखते हैं कि हमें ख कैसे लिखना है। सी, यहाँ पर हमने एक उल्टा सी बनाया, उसके बाद हमने उसकी बनाई टेल यहाँ ब्लू लाइन तक, फिर हमने यहाँ पर बनाया एक स्टैंडिंग लाइन और उसके बाद यहाँ पर ऐसे बनाया सी और ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया व्यंजन ख। एक बारी और, उल्टा सी टेल स्टैंडिंग लाइन सी स्लीपिंग लाइन। अब कोई बेबी अगर ऐसे लिख देगा तो ये क्या हो जाएगा? ये तो रॉन्ग हो जाएगा। हमने तो यहाँ पे इसको ऐसे बनाया है और ये ऐसे अगर आपने यहीं पे ज्वाइन कर दिया ब्लू लाइन पे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें ऐसे नहीं बनाना है। चलो अब देखते हैं कि व्यंजन ग कैसे लिखना है। यहाँ से हमको एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे ब्लू लाइन को क्रॉस करके, फिर एक स्लांटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन और यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। ये बन गया हमारा व्यंजन ग। फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन स्लांटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। अब अगर किसी बेबी ने ऐसे बना दिया ग को तो क्या हो जाएगा? ये तो रॉन्ग हो गया। और किसी ने अगर ऐसे बना दिया तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हमें ऐसे ही बनाना है। ओके, सो इसको प्रैक्टिस करना है घर पे। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सबको प्रैक्टिस करनी है और मैम को फोटोज और वीडियो सेंड करनी है। ओके, डू योर वर्क वेरी ब्यूटिफुली। Bye, take care.